आज हम लोग जा रहे हैं बनाने पॉपकॉर्न। तो ये जो पॉपकॉर्न है इसको मकई का आटा, मकई भी कहते हैं और मीन्स मकई का आटा भी मिलता है, पर ये मकई है। तो इसमें जो होती है ना मकई, आप जाओगे जब दुकान पे शॉप पे ले लेना, तो वो जो शॉपकीपर को बोलना कि मुझे जो पॉपकॉर्न परफेक्ट बनता है वही चाहिए। इसमें ऐसा भी होता है कि जो फूटता नहीं, मीन्स पॉपकॉर्न बनता नहीं है, तो आपको पहले जब जाना है शॉप पे तो सबसे पहले उनको ये बोलना है शॉपकीपर को कि मुझे पॉपकॉर्न ही चाहिए, आप कुछ और नहीं देना। जैसे इस टाइप में और भी ऐसे आते हैं तो वो फूटता नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। तो इसमें सबसे पहले ये हमें पॉपकॉर्न चाहिए और ऑयल चाहिए और नमक और हल्दी चाहिए। तो आप नमक हल्दी आपके हिसाब से डाल सकते हैं, और आपको फ्लेवर के लिए चाहिए तो आप चीज़ मस्के का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से जैसे कि बाहर ज़्यादा आना जाना नहीं हो पाता है, बहुत टाइम टू टाइम होता है, तो हर चीज़ अवेलेबल नहीं हो पाती घर पे क्योंकि लॉकडाउन है। तो चलो अभी आज हम तेल में बनाते हैं। मस्के में बहुत ही अच्छा लगता है पर अभी मस्का अवेलेबल नहीं है। तो चलो स्टार्ट करते हैं तेल में बनाना। एक कढ़ाई गर्म कर ली और उसमें मैंने 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल ले ली, और आप चाहे तो मस्का भी ले सकते। तो मस्का बहुत ही टेस्टी लगता है मस्के में। तो अभी इसे थोड़ा हम गर्म होने देंगे। 1/2 टीस्पून टर्मरिक डाल रही हूँ, हल्दी डाल रही हूँ, आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसे आपको कलर चाहिए। और यहाँ पे मैं सॉल्ट डालूँगी आपके टेस्ट के हिसाब से जैसे आपको चाहिए, और फिर मैं यहाँ पे इसे पॉपकॉर्न को डाल दूँगी, और फिर जो मतलब फास्ट गैस पे इसे पकने दूँगी ढक के, तो ये अपने आप बन जाएगा। इसे मैं चला दूँगी और फिर इसे थोड़ी देर के बाद मैं इसे ढक दूँगी। तो यहाँ पे मैंने ढक दी हूँ और अभी 2 से 3 मिनट में हमारा पॉपकॉर्न रेडी हो जाएगा। पे 1 से 2 मिनट हो गया है और आपको अभी इधर पॉपकॉर्न की आवाज़ आ रही होगी, पॉपकॉर्न मीन्स तैयार हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा बीच बीच में आपको ऐसे चाहे तो आप स्पून के जरिए थोड़ा सा ऐसे डाल के इसमें से स्पून डाल के ऐसा शेक कर सकते हैं, और चाहे तो ऐसे से थोड़ा सा ऐसे से करके आप शेक कर सकते हैं। तो फ्यू मिनट्स में आपका रेडी हो जाएगा। रेडी हो गया है, आप देख सकते हैं आवाज़ नहीं आ रही, और मैंने स्लो कर दिया है कि ताकि अगर थोड़े से पॉपकॉर्न अगर बाकी हो तो हो जाए, और फिर स्लो करके मैं इसको फिर बंद कर दूंगी। तो मैंने स्लो कर ली हूँ और अभी आवाज़ आना भी बंद हो गई, अब मैं इसे गैस को ऑफ कर दूंगी। देख सकते हैं कि हमारा पॉपकॉर्न तैयार हो गया, चलो अभी हम लोग खाएंगे। तो हमारा पॉपकॉर्न रेडी हो गया, चलो अभी हम खाने जा रहे हैं। बहुत टेस्टी है, आप लोग ज़रूर ट्राई करना, बहुत ही अच्छा और बहुत ही सस्ते में, और जैसे कि बहुत अच्छा होता है। जैसे आप शाम के टाइम पे या रात के टाइम पे आप इसे खाएंगे तो आपका मतलब बहुत अच्छा लगता है ये, और बहुत ही अगर आप मार्केट में ले जाओगे ना इस पॉपकॉर्न को तो आपको फ्रेश भी नहीं मिलेगा और इतना टेस्टी यमी भी नहीं मिलेगा। तो आप लोग ज़रूर ट्राई करें और कमेंट करना कि कैसा लगा आपको इस। चलो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।